हाय एवरीवन दिस इज विरौनिका आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है एसिड रेन कि एसिड रेन क्या होती है इसके क्या कॉजेज हैं क्या इफ़ेक्ट्स हैं ये ह्यूमन बीइंग्स बायोडाइवर्सिटी यानी हमारा पूरा इन्वायरमेंट उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस तो अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ओके okay, टेलीग्राम चैनल पे सारे पी मिल जाएंगे चलिए अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं देखिए एसिड ड्रेन जिसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं या एसिड डिपोजिशन भी बोलते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट हो रहा है रेन की फॉर्म में स्नो की फॉर्म में और डिपोजिशन क्योंकि एसिड uh, रेन या तो वेट फॉर्म में हमको दिखती है डिपोजिशन इसकी या फिर ड्राई फॉर्म में मिलती है राइट right? तो ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि वेट डिपोजिशन ड्राई डिपोजिशन क्या रहती है तो इसलिए एसिड रेन क्या है एसिड प्रेसिपिटेशन है या एसिड डिपॉजिशन uh, है और प्रेसिपिटेशन possessing अ पी एच ऑफ अबाउट फाइव पॉइंट टू और बिलो तो ये याद रखिएगा कि पीएच इसका कितना होता है एसिड रेन का फाइव पॉइंट टू या उससे नीचे का प्राइमरीली प्रोड्यूस फ्रॉम द एमिशन ऑफ पर मेनली किसके एमिशन से एसिड जो एसिड रेन होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इसका पी एच आपको याद रखना है किससे नीचे कंसिडर किया जाता है और कि किन एमिशन किन गैसेज के एमिशन की वजह से एसिड रेन होती है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओके एनओ एक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एनओ एंड एनओ टू और उसके बाद तीसरा फैक्टर है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि मोस्टली जैसे हम फॉसिल फ्यूल कम्बस्चन करते हैं उनको यूज करते हैं जलाते हैं इन सब रीजन की वजह ये सब रीज़न है किसका एसिड रेन का अब देखिए वेन एटमोस्फिर पल्यूटन लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट विद रेन वाटर एंड कम डाउन विद द रेन देन रिजल्ट इन एसिड रेन तो एसिड रेड एसिड रेन फाइनली कैसे होती है कि जितने भी आपके एटमोस्फेरिक पल्यूटेंट्स हैं स्पेशली कौन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं पानी कहां पे आएगा एटमॉस्फेयर में आपका रेन वाटर की बात हो रही है आपके बारिश के पानी के साथ और फिर वो उस रेन के साथ नीचे आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एसिड रेन आप अदर वर्ड्स में हम एसिड रेन को ये भी बोल सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि एसिडिक हैं ओके एसिडिक वाटर ड्रॉपले ड्रॉपलेट्स जो कि एयर एमिशंस के साथ आपके मिक्स होकर नीचे आ रहे हैं और ये सारे जो गैसेस हैं व्हीकल्स एमिशंस आप बोल लीजिए ये आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं व्हीकल्स से एमिशन्स हो रही हैं आपका सल्फर नाइट्रोजन हवा में जा रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट तो एसिडिक प्रेसिपिटेशन होगी और नेचुरल क्या है लाइटनिंग हो रही है वॉलकनिक इराप्शन हो रही हैं जहाँ से सल्फर रिलीज होगा सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह राइट तो आप देख सकते हैं नेचुरल कॉजेज भी हैं बट मेनली एसिड रेन की वजह क्या है आपके ह्यूमन एक्टिविटीज अब देखिए कॉजेज ऑफ एसिड रेन अगेन अगेन रिपीट हो रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एम आता है सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो कि वेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं अब देखिए सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स विच गेट मिक्सड विद वाटर आर फाउंड इन टू वेज जैसे मैंने आपको बताया मैन मेड हो सकता है इंडस्ट्रीज और नेचुरल हो सकता है लाइटनिंग यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूंगी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया वेट डिपोजिशन वेट डिपोजिशन क्या होगा कि जैसे आपके हवा में सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट है अब विंड चलेगी हवा चलेगी ये गैसेज आगे पीछे भी जाएंगी सपोज किसी ऐसे एरिया में जा रही हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेट है ठीक है मॉइस्चर है वहाँ पे तो ये वहाँ पे उनके साथ मिक्स होकर प्रेसिपिटेट होंगी फॉग की फॉर्म में हो सकता है रेन हो सकता है स्नो हो सकता है मिस्ट हो सकती है तो इस तरह की डिपॉजिशन को हम वेट डिपॉजिशन बोलते हैं और दूसरा वर्ड है आपका रेन का ड्राई डिपोजिशन कि जहाँ पे ड्राई डिपॉजिशन तो इस केस में क्या होगा कि ये ड्राई रहेंगी ये गैसेस और गैसेस के फॉर्म में चिपक जाएंगी आपकी आ, बिल्डिंग्स के साथ जैसे स्मोक के फॉर्म फॉर्म में या डस्ट की फॉर्म में सेटल हो जाएंगी आ, जमीन पे आके या बिल्डिंग्स के साथ या पेड़ पौधों पे तो इसको बोलते हैं ड्राई डिपोजिशन और दोनों ही इक्वली हार्मफुल हैं ओके तो ये आपकी बात थी एसिड रेन की अब देखिए कॉजेज ऑफ एसिड रेन पढ़ने से पहले कि नॉर्मल जो हमारी रेन होती है आपकी बारिश का पानी होता है वो क्लीन नहीं होता वो साफ़ नहीं होता ऐसा क्यों होता है क्योंकि पानी जो है वो कहीं ना कहीं आपके हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होती है रिएक्ट करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है कार्बोनिक एसिड लेकिन ये कार्बोनिक एसिड वीक होता है स्ट्रोंग नहीं होता और ना ही ज्यादा हार्मफुल होता है अब रिएक्शन देखिए पानी आपका रेन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है आपका कार्बोनिक एसिड ओके जो कि आक्वेस है और इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रेगुलर भी हमारा रेन वाटर होता है वो थोड़ा थोड़ा एसिडिक होता है नेचर में लेकिन ऑलमोस्ट फाइव पॉइंट सिक्स 5.2 और उससे नीचे का अगर वैल्यू होगा तो देखिए यहाँ पे हम किस लेवल की बात कर रहे हैं पीएच लेवल्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पीएच का स्केल बताऊँ जीरो टू फोर्टीन होगा सेवन आपका न्यूट्रल माना जाता है ओके okay? अगर सेवन से ऊपर है तो बेसिक होगा सेवन से नीचे होगा एसिडिक होगा तो अल्टीमेटली आपका हाइड्रोजन के कितनी कहीं पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कोई चीज़ कितनी एसिडिक होगी जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगी आपका जो पीएच वैल्यू है वो उतना कम आएगा क्योंकि वो उतना एसिडिक हो जाएगा राइट तो ये चीज़ याद रखिएगा पी एच वैल्यू की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो उसका बेसिसिटी या उसकी एसिडिटी जो है वो डिसाइड करता है ओके okay, अब ये रिएक्शंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक है आपकी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ओके वो ये मानती है कि फादर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है फादर ऑफ एसिड रेन किसको माना जाता है स्कॉटिश केमिस्ट थे एक ओके स्कॉटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ ओके okay. उन्होंने पहली बार 1852 में जो ये वर्ड है एसिड्रेन इसको डिस्कवर किया था इन्वेंट किया था तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री हैं फादर ऑफ एसिड रेन कौन है स्कॉटिश केमिस्ट थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन तो जो रॉबर्ट थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ वो जब इस ड्रेन के बारे में पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल टाउन्स में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के तब उन्होंने 19 सॉरी uh, 1852 में ये वर्ड जो है वो डिस्कवर किया था अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो मैंने आपको बताया जब दे अंडर गो ऑक्सीडेशन इनका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइज होती हैं और उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है रिस्पेक्टिवली क्योंकि मैंने आपको क्लीन वाटर के केस में भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रेन वाटर रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड जो है वो बनाता है लेकिन उसका वो इतना हार्मफुल नहीं होता क्योंकि वीक कार्बोनिक एसिड है तो लेकिन अब आपके हवा में सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएंगी तो ये ऑक्सीडाइज होंगी फिर आपके रेन वाटर से मिलेंगी तो क्या बनाएंगी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो इनके रिएक्शंस आप कहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स हमेशा बहुत ज़्यादा आएंगे कि उनको समझ आएगी कि इसको पूरा प्रोसेस पता है कि एसिड रेन किस तरह बन रही है तो फाइनली रेन वाटर के साथ ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मिक्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे एसिड रेन अब हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा कि एसिड रेन क्या है तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे किस तरह के कॉन्सिक्वेंसिस हैं एसिड रेन के देखिए पहले तो आप जानिए एक्वाटिक इकोसिस्टम कि पानी में जब ये इस तरह की बारिश हो रही है एसिड रेन जा रही है तो एक्वाटिक सिस्टम में पूरा इकोसिस्टम है कितने सारे फाइटो प्लान जू प्लैंगटॉन्स वहाँ पे हैं उन सब के लिए काफ़ी हार्मफुल रहेगा देखिए बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनको अपना एक्सोस्केल्टन बनाना है राइट right? और एसिड रेन की वजह से वो नहीं बना पाते जैसे कि आपके कोरल्स हो गए अगर उनका नहीं बन पाएगा तो वो मर जाएंगे और बेसिकली इस वजह से आपकी पूरी फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिस्ट्रॉय होगा इसलिए इससे पहले मैंने आपको फूड चेन फूड वेब ये सब पढ़ाया था ताकि आपको ये प्रोसेस समझ आ सके देखिए मैंने आपको एक चीज़ प्रोजेक्ट टाइगर में भी समझाई थी कि अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो हमें टाइगर का खाना भी प्रोटेक्ट करना यानी जो उसका शिकार है जो प्रे है उन एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है ताकि बैलेंस बना रहे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एसिड रेन के केस में क्या होता है जो बेसिक जैसे फाइटो प्लान हैं जिन पर बाकी एनिमल्स फीड कर रहे हैं छोटे जानवर हैं जिन पर बाकी बड़े एनिमल्स फीड कर रहे हैं अगर वही नहीं रह पाएंगे तो अल्टीमेटली आपके बड़े एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा कोरल्स के केस में जो लोग जो एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स कोरल्स पर फीड करते हैं अगर कोरल्स नहीं बचेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा तो आप देखते हैं कि इसकी वजह से पूरा फूड चेन फूड वेब जो है एक्वाटिक सिस्टम का वो हिल जाता है तो ये कॉन्सिक्वेंस है रेन का अब हेल्थ की बात करें ह्यूमन हेल्थ की स्पेशली बात करें तो डायरेक्ट इन्फ्लुंस एसिड रेन का ऐसा सच नहीं होता बट यहाँ पे जो आपकी गैसेस हैं ये पार्टिकल्स जब हम ब्रीद इन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे हमको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि लंग के इशूज़ आस्थमा हो रहा है या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है जिसका रीज़न एसिड रेन है या ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एसिड रेन के पॉल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से हो रहा है दूसरा प्लांट एंड ट्रीज़ पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है तो एक्वाटिक सिस्टम में भी देखा कि अल्टीमेटली फ़र्क बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है एनिमल्स प्लांट लाइफ पे पड़ रहा है तो लैंड पे भी सेम केस होगा सॉइल में जाके ये मिक्स होंगे सॉइल से जो प्लांट या ट्रीज हैं वो इनको अपटेक करेंगे इस तरह के जो एसिड रेन के साथ ये जो एसिड रेन है सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करेगी या अगर ड्राई डिपोजिशन हो रही है जिस तरह से मैंने बोला ये पार्टिकल्स आपके आके प्लांट्स या ट्रीज़ पे चिपक रहे हैं सॉयल में जा रहे हैं तो आपका न्यूट्रिएंट लैक होगा प्लांट एंड ट्रीज़ में तो बहुत जगह देखा गया नॉर्वे के जंगलों में या यूएस के जंगलों में कि वट इज उन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि प्लांट्स जब ग्रीन होने चाहिए उनके लीव्स पहले ही ब्राउन हो रहे हैं और गिर रहे हैं तो अल्टीमेटली या उनकी ग्रोथ जो है उस पर फर्क पड़ रहा है तो इस तरह का फर्क प्लांट्स और ट्रीज में भी देखा गया एसिड रेन की वजह से और उसके बाद इनके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि इनका इफ़ेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी देखा गया बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह की सॉइल में रहते हैं जो थोड़ी बेसिक हो या जिसको हम एल्कलाइन बोलते हैं लेकिन जो फनजाए है बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होता है जहाँ पे जिस सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वहाँ पे डिकम्पोजिशन जल्दी होती है तो डिकम्पोजिशन होना अच्छी बात है लेकिन फनजाई जो है वो डिकम्पोजिशन को थोड़ा स्लो करती है और ये थोड़े एसिडिक इन्वायरमेंट में रहती है फनजाए तो हमने देखा कि सॉइल जब एसिड ड्रेन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं और फंजाए ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया टू फंजाई शिफ्ट हो रहा है उस साइल का जो पूरा क्वालिटी है तो उससे सॉइल जो है फर्टिलिटी है वो कम हो रही है ओके यू गॉट मी अब नेक्स्ट है स्टोन बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स इंडिया में ताजमहल ताजमहल के पास कुछ फैक्ट्रीज खोली गई कुछ समय पहले तो जब कहा गया इन्वायरमेंटलिस्ट uh, ने कहा कि थोड़े आने वाले समय में यहाँ पे एसिड रेन की वजह से इस पर फर्क पड़ेगा पॉल्यूशन की वजह से लेकिन गवर्नमेंट डिनाई करती रही लेकिन आज हम यही देख रहे हैं कि वहाँ का जो मार्बल है वो येलो टर्न हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का ये सब बना है मार्बल तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से एसिड रेन से रिएक्ट होके वो चीज़ ख़राब हो रही है Uh, उसके बाद आपका अगर हम बाहर की बात करें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो भी ड्रेन की वजह से फ़र्क पड़ रहा है और वो ग्रीन टर्न हो रहा है तो आपकी बिल्डिंग्स ये तो दो फेमस बिल्डिंग्स हैं जिनकी मैंने बात की लेकिन आप पुरानी कोई भी बिल्डिंग्स देखेंगे uh, पुरानी क्या जितनी भी बिल्डिंग्स हैं स्टोन बिल्डिंग्स हैं मोन्यूमेंट्स हैं उन पर फ़र्क एसिड्रेन का पड़ रहा है अब देखिए इफ़ेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो गए लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स का मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ और एक्वाटिक इकोसिस्टम की हमने बात की लेकिन एनिमल्स की स्पेशली बात करें तो बहुत सारी फिशेस हैं जिनके एग्स हैच ही नहीं हो पाते प्रॉपर्ली एसिड रेन की वजह से और एसिड रेन की वजह से जो हमारा सरफेस वाटर है इसकी पीएच वैल्यू भी पूरे तरीके से हिल जाती है सो मोर एसिड रेन कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एलिवेटेड एलुमिनियम कॉन्सेंट्रेशन तो एलुमिनियम कॉन्सनट्रेशन सरफेस वाटर की इंक्रीज हो रही है जो कि हार्मफुल होती है तो so, ये चीज़ें आपको एक्वाटिक एनिमल्स में सरफेस वाटर में भी एसिड रेन का इफेक्ट देखने को मिलेगा सॉइल की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने मैंने आपको ज़्यादा बड़ा करके एक्सप्लेन किया है बट आप एक बार पढ़ सकते हैं द बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस द टक्कर इनसाइड सॉयल कैन सीरियसली हम्पर्ड एसिड रेन्स माइक्रोब्स की जैसे बात की कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट स्पेशली बैक्टीरिया वो अडाप्ट नहीं कर पाते टू द लोअर पी एच ऑफ सॉइल और वो मर जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह ये सब सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन करवाते हैं ये भी हमने पढ़ा था जब हम ये पढ़ रहे थे ट्रॉफिक लेवल्स अब एक टर्म आती है सॉइल एसिडिफिकेशन देखिए सॉइल पे इतना फर्क पड़ता है कि इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं अब सॉइल एसिडिफिकेशन क्या होता है कि सॉइल में हाइड्रोजन केटाइंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जिससे का पीएच कम हो जाएगा अब एसिड रेन इज नोन टू बी डायरेक्ट कॉज ऑफ सॉइल ऑब्वियसली और भी रीजंस हैं सॉइल के एसिडिफाई होने के लेकिन डायरेक्ट रीजन क्या है आपका एसिड रेन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू प्लांट लाइफ डिपेंड्स ऑन पोटेंसी ऑफ द एसिड रेन एंड ऑफ सॉइल एसिडिफिकेशन अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे सॉइल जो है एसिडिफाई हो गया और प्लांट्स एकदम से मरना शुरू हो जाएंगे टाइम लगता है ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह का पीएच जो है वो प्रेजेंट है कितनी एसिडिटी है सॉइल में उतना फ़र्क जो है प्लांट लाइफ पे पड़ता है जैसे हमने सॉइल uh, एसिडिफिकेशन पढ़ा इसी तरह से ओशन एसिडिफिकेशन भी एक टर्म है uh, या फिर ये एक कॉन्सिक्वेंस है एसिड रेन का देखिए ऑल दो द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ओशनिक इकोसिस्टम इज़ नॉट सीवियर बहुत खतरनाक इम्पैक्ट एसिड रेन का ओशन पे नहीं पड़ता लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स इसके देखे जाते हैं ओशनिक लाइफ फॉर्म्स में फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको पता है कि पी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा ओशन वाटर का कॉमनली नोन एज ओशन एसिडिफिकेशन और इसमें बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है जैसे मैंने बताया था एग्जोस्केल्टन वो फॉर्म नहीं कर पाती जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें ओशन में देखने को मिलता है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम ओशन एसिडिफिकेशन को पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे पी वैल्यू के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी सपोज किसी सॉइल uh, की या वाटर की पी वैल्यू है फोर और एक है फाइव इसका यह मतलब है जब पी एच वैल्यू फोर आ रही है ये दस गुना पांच से ज्यादा एसिडिक है ओके पी एच वैल्यू फाइव से पी एच वैल्यू फोर टेन टाइम्स ज्यादा एसिडिक है और पी एच वैल्यू सिक्स से पी एच फोर जो है वो हंड्रेड टाइम्स ज्यादा एसिडिक है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसिडिटी इंक्रीज़ होती है जब हम पीएच वैल्यू फाइव या फोर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसिडिटी में फ़र्क पड़ जाता है अगर फाइव से फोर टेन टाइम्स है और सिक्स से फोर हंड्रेड टाइम्स है चलिए ऐसा ओशन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं देखिए मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा पढ़ाया था जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग का ट्विन माना जाता है ओशन एसिडिफिकेशन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमने देखा था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीओटो की वजह से है तो ओशन एसिडि एसिडिफिकेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉब्लम है तो इसको ईविल ट्विन बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या बोला जाता है ईविल ट्विन देखिए जो ओशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको कार्बन सिंक भी बोला जाता है ये टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो जब तक नॉर्मली एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इकोसिस्टम के लिए सही है लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लग जाएगी तो ओशन उसको उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और एसिडिक होते जाएंगे ऐसा एस्टिमेट है कि 30 टू 40 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती है उसको ओशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ओशंस में एब्जॉर्ब हो जाती है अब एक केमिकल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्ट करके जैसे मैंने रेन वाटर के केस में बताया ये क्या बनाती है कार्बोनिक एसिड ओके कार्बोनिक एसिड बनेगा तो मतलब पानी एसिडिटी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एसिड इंक्रीज हो रहा है अब ये जो कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर पानी के साथ पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बाय कार्बोनेट आइन बनाएंगे बाय कार्बोनेट आइन बनेंगी आपकी ओके okay? या फिर आपका हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनेगा तो आपका ओशन एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगा तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को चेक करना इम्पॉर्टेंट है वरना ओशन एसिडिफिकेशन होता रहेगा एसिड रेन तो एक वजह है लेकिन अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी ओशन एसिडिफिकेशन का एक कारण है तो देखिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके पानी में कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट सॉरी बाई कार्बोनेट आइंस इंक्रीज होंगे तो आपके जो वहां पे कार्बोनेट आइन्स प्रेजेंट हैं वो कम होते जाएंगे अब ये कार्बोनेट आइंस की जरूरत किसको थी बहुत सारे कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म को कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज़म्स जैसे कोरल्स जिनको कैल्शियम की जरूरत है अपने एग्जोस्केल्टन बनाने के लिए तो एग्जोस्केल्टन के बारे में मैंने आपको पहले बताया राइट right? तो बहुत सारे प्लैंकटॉन्स भी हैं जिनको आ, इसकी ज़रूरत रहती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ, फिर मैंने आपको आगे फूड चेन समझाया था कि अगर कोरल्स नहीं होंगे तो जो उन पर फीड करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को फ़र्क पड़ेगा तो पूरा पूरा आपका फ़ूड चेन फूड वेब ही हिल जाएगा तो ये थोड़ा सा था ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में तो ह्यूमन्स का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे ब्रोंकाइटिस आसमा अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये जो फाइन पर्टिकुलेट मैटर है अगर ये ब्रीदिंग करते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशंस की बात आती है कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर हम रेन रोकना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मैंने बताया रेन का रीज़न क्या है जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन सल्फर की तो इसका मतलब जो एमिशंस हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र की उनको हमें रोकना है रिड्यूस करना है कम करना है वी हैव सो फार सीन द डिटेल्स ऑफ रेन हमने पढ़ा हार्मफुल इफेक्ट्स एनिमल्स पे प्लांट्स पे मोन्यूमेंट्स पे हमने देखे तो अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमको इनको रोकना है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको समझना है और देखिए वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ विच गिव नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड वेस्ट अनएथिकली तो बहुत इस तरह की इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बावजूद भी जो कि गलत है तो गवर्नमेंट को उस पर चेक रखना चाहिए ताकि इस तरह की अमिशंस को हम कम कर सकें तभी हम डायरेक्टली बी एस फोर इंजन से बी एस सिक्स में चले गए क्योंकि वहाँ पर सल्फर जो है उन इंजन से कम एमिट होता है तो उससे हम एसिड रेन को एयर पोल्यूशन को इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं प्रिवेंशन के लिए जैसे लाइमिंग की जाती है कि डैमेज टू वाटर बॉडीज कैन बी प्रिवेंटेड अगर हम वहाँ पे लाइम को ऐड करेंगे पानी में मैनी केमिकल एस कॉस्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम भी लोग लाइमिंग में ऐड करते हैं स्लेक्ट लाइम lime, ये इंक्रीज करती हैं जो ये क्या करती हैं बेसिसिटी बढ़ाती हैं पानी की इंक्रीजेज द पीएच ऑफ एसिडिफाइड वाटर लाइमिंग रिमूव ओनली सम ऑफ द सिम्टम्स एसिडिफिकेशन से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लाइनिंग से ठीक कर सकते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये एक क्योर नहीं है लेकिन एक प्रिवेंटिव मैथड है हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को ठीक करने के लिए अदरवाइज़ देखिए जो गाड़ियों से भी इतना सल्फर आपका रिलीज़ होता है तो अगर हम इस तरह के उसमें कन्वर्टर होते हैं अगर हम वो यूज़ करें तो सल्फ़र कम निकलेगा फ्यूएल्स से लेकिन ये सब जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस तरह के ऑइल्स भी आते हैं आपके जिनमें सल्फर की मात्रा कम रहती है लेकिन अगेन वो बहुत एक्सपेंसिव है तो रिड्यूसिंग सल्फर एमिशन्स ऑफ फ्रॉम पावर प्लांट्स बाय बर्निंग लेस लेकिन हम क्या कर सकते हैं कम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करें ऑल्टरनेट एनर्जी के जो सोर्सेज हैं टाइडल विंड हाइड्रो पावर या सोलर या जो भी ऑल्टरनेटिव रिनीबल एनर्जी जो है उसको यूज़ करें तो हम एसिड रेन और एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं ये कुछ तरीके हैं और नाइट्रोजन के केस में भी सेम होगा कि जो उसके एमिशन हैं उनको हम कम करें या फिर इस तरह से कोई पॉलिसी इंटरवेंशन आए जैसे यहाँ पे यूएसए की एग्जांपल दी है कि 1980 में यूएसए और अंटारीियो यानी कनाडा ने क्या किया आ, इन्होंने नेशनल एसिड प्रेसिपिटेशन असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया और एक टेन ईयर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक स्टडी की एसिड रेन को कि इसको कैसे रोका जाए ओके okay, तो इस तरह से इंडिया में भी इस तरह के बहुत सारे लॉज जो हैं वो लाए गए जैसे मैं इंजन्स की बात कर रही हूँ बी एस सिक्स हमने बोला कि आगे आने वाले समय में अपनाएंगे सल्फर uh, को रिड्यूस सल्फर एमिशन्स को रिड्यूस करने के लिए तो इसी तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी तो ही इन चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं एसिड ट्रेन किसकी वजह से होती है पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तो आप मुझे बताइए आई थिंक बहुत बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये चीज़ आप बता सकते हैं इसको मैं आंसर नहीं बताऊँगी ओके नेक्स्ट बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग पी एच रेन इज रिगार्डिड एसिडिक रेन किस पी एच के नीचे अगर होगा तो हम उसको एसिडिक बोलेंगे तो आप यहाँ पे समझ ही रहे होंगे फाइव पॉइंट सिक्स नॉर्मल क्लीन वाटर का इतना होता है फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सेवन के पास उससे नीचे होगा तो वो आपकी एसिड रेन मानी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके आंसर है है? ये। लाइमिंग का क्या मतलब है? तो लाइमिंग मैंने बताया, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिच सब्सटेंसेस टू सॉइल इरोजन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जोन्स इन सॉइल इरोजन मतलब उसको हटा देना तो इसमें आपका जो है वो सही है लाइमिंग हमने अभी पढ़ा क्योंकि लास्ट में ही लेक्चर के हु डिस्कवर्ड द फेनोम ऑफ एसिड रेन तो इसके लिए आप लेक्चर फिर से देखिए मैंने स्पेशली ऊपर लिख के बताया था कि किसने एटीन uh, हंड्रेड्स में आई थिंक एटीन फिफ्टी टू मैंने आपको बताया था ईयर uh, जिसमें इन्होंने पहली बार इन्वेंट किया था इंग्लैंड और uh, जो भी इनमें से नाम है uh, ये जो स्कॉलर थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में इंडस्ट्रियल वाटर को पढ़ते हुए एसिड रेन टर्म जो है वो कॉइन की थी इन्वेंट की थी तो आप मुझे बताइए इसका राइट right आंसर क्या है चलिए आंसर दिया है रॉबर्ट एंगस स्मिथ फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन एसिड डिपोजिशन कितने टाइप की है वेट डिपोजिशन ड्राई डिपोजिशन सॉलिड डिपोजिशन तो आई थिंक यू यू शुड रिमेंबर अभी लेक्चर में हमने पढ़ा वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन दोनों है तो राइट आंसर क्या होगा आपका बोथ ए एंड बी तो ठीक है इतना ही था हमारा आज का लेक्चर पी जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जो कि शुरू में मैंने आपको एड्रेस दे रखा है थैंक यू सो मच